रात का समय था, एक छोटा सा कमरा जहां एक लड़का बैठा था। उसका नाम अभिनव था, वह सिर्फ 17 साल का था। अभिनव का सपना था कि वह एक दिन बड़ा गेमिंग यूट्यूबर बनेगा। वह दिन रात अपनी वीडियोस बनाता और यूट्यूब पर अपलोड करता। उसकी मेहनत कभी कम नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं। आखिर क्या गलत है? अभिनव अपने लैपटॉप के सामने बैठा सोच रहा था, मेरे वीडियोस तो बहुत अच्छे हैं, फिर क्यों नहीं आते व्यूज? वह कई महीनों से लगातार वीडियो बना रहा था, पर व्यूज हमेशा कम ही आते, कभी 50, कभी 100 और कभी कभी तो 10-20 व्यूज से भी कम। एक रात अभिनव का मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सोचा, शायद मुझे अब इसे छोड़ देना चाहिए, इस सपने से बाहर आकर कुछ और करना चाहिए। उसने ठान लिया कि वह अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर देगा और अपने जीवन को एक नए दिशा में ले जाएगा। लैपटॉप को खोलते हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे किसी बुरी बात का एहसास हो रहा हो। फिर भी वह YouTube पर जाकर चैनल की सेटिंग्स में डिलीट चैनल के ऑप्शन को सर्च करने लगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वह डिलीट बटन प्रेस करने लगा, लैपटॉप की स्क्रीन पर सडनली अंधेरा छा गया। पूरे कमरे में एक सन्नाटा था और अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर एक सफेद रोशनी की झिलमिलाती सी रेखा बनने लगी। यह कोई साधारण अलर्ट नहीं था, यह एक खौफनाक एहसास था, जैसे कुछ सुपरनेचुरल घटित होने वाला हो। अभिनव ने डरते हुए स्क्रीन को देखा। एक खौफनाक आवाज आई, तुम चैनल डिलीट नहीं कर सकते। उसकी सांसें थम गईं। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि जैसे किसी और दुनिया से आई हो। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगी। यह वीडियो उसकी खुद की थी, लेकिन उसकी हरकतें उस वीडियो में बिल्कुल अलग थीं। वीडियो में वह किसी गेम में नहीं, बल्कि अंधेरे जंगल में दौड़ रहा था। हर कदम के साथ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कुछ उसे पीछे से पकड़ने आ रहा हो। वीडियो की स्क्रीन पर एक बड़े से साये की झलक भी दिखाई दी, जो उसके पीछे आ रहा था। अभिनव चिल्लाया, यह क्या है? उसने डरते हुए लैपटॉप बंद करना चाहा, लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हो रही थी। यह जैसे जादुई तरीके से अपने आप चल रही थी। तभी वीडियो में उसकी खुद की आवाज आई, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि यह सामान्य नहीं है। जैसे ही उसने उस वीडियो को हटाने की कोशिश की, स्क्रीन पर एक और संदेश आया, अगर तुमने चैनल डिलीट किया तो तुम्हारे साथ वो होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभिनव के हाथ में पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। क्या यह कोई ट्रिक है, या फिर यह सच में कोई सुपरनेचुरल शक्ति है जो उसके साथ खेल रही है? उसने चैनल डिलीट करने का बटन दबा दिया। ऐसा करते ही स्क्रीन पर अचानक एक और वीडियो प्ले हो गया। इस वीडियो में उसका चेहरा था, मगर वह अब बहुत अलग दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और चेहरा डरावना लग रहा था। तभी आवाज आई, अब तुम नहीं बच सकोगे। अभिनव डर के मारे कांपने लगा और वह जल्दी से लैपटॉप उठाकर एक कोने में फेंकना चाहता था। लेकिन तभी लैपटॉप के पास से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। वह मुड़कर देखता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। सारा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब तो हर आवाज डरावनी लग रही थी, जैसे कमरे में कोई और था। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी धड़कन कमरे की दीवारों को हिला रही हो। वह लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए बोला, क्या तुम सच में मेरे चैनल से जुड़े हो? अचानक स्क्रीन पर कुछ शब्द लिखे आए, मैं तुम्हारे चैनल का हिस्सा हूं, तुम मुझसे जुदा नहीं हो सकते। अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में घना अंधेरा छाया हुआ था। फिर एक जानी पहचानी सी आवाज आई। वह आवाज थी अभिनव के अपने गेम्स में से एक, उस गेम की जिसको वह हमेशा खेलता था। अभिनव ने डरते हुए पूछा, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? लेकिन जवाब में एक ठंडी और घनी आवाज आई, नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। अभिनव डर के मारे कांपने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। वह लैपटॉप को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्क्रीन पर अपलोड अ न्यू गेमिंग वीडियो का संदेश बार बार आ रहा था। अभिनव का चैनल डिलीट नहीं हुआ था। उसके कानों में आवाज गूंजने लगी कि गेम खेलना शुरू करो। आवाज से डर कर वो गेम खेलने लगा। वह जब भी गेम को छोड़ने की कोशिश करता तो उसके कमरे की लाइट्स फ्लिकर होने लगती और दीवारों पर खून से
सने हाथ के निशान उभरने लगते। गेम छोड़ते ही जैसे कोई भयानक साया उसको डराने लगता। अभिनव डर के मारे रात भर गेमिंग वीडियो बनाता रहा और साथ साथ अपलोड भी करता रहा। अभिनव थक कर सोचने लगा, क्या मैं अब इस खेल को कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। सडनली उसकी नजर वीडियोस के व्यूज पर गई और वह हैरान रह गया कि अब उसकी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आ रहे थे। उसकी सभी वीडियो अपलोड होते ही वायरल हो रही थी। अभिनव का यूट्यूब चैनल रातों रात वायरल हो गया और उसने रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए। सूरज की पहली किरण निकलते ही जैसे सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। अभिनव गेम खेल खेल कर बुरी तरह से थक चुका था। उसकी आंखों में दर्द और जलन हो रही थी। वह थक कर कब सो गया उसको पता ही नहीं चला। वह गहरी नींद में था जब उसको अपनी बहन की आवाज सुनाई दी। वो उसको उठा रही थी ये बोलकर कि भैया पापा आप पर बहुत गुस्सा हो रहे हैं, दोपहर के 1 बज गए हैं, अब तो आप उठ जाओ, पापा गुस्से में हैं। सुनकर अभिनव की नींद खुल गई। उसने तुरंत अपना यूट्यूब चैनल चेक किया जिस पर रात में उसने लाखों सब्सक्राइबर्स और व्यूज देखे थे। जब अभिनव ने अपना चैनल खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक रात में उसने 10 लाख रुपये कमा लिए थे। 17 साल की उम्र में एक रात में 10 लाख कमाना उसके या उसके परिवार के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। अभिनव पढ़ाई में बहुत कमजोर था जिस कारण वह अपने पिता से रोज डांट खाता था, पर आज वो अपने पापा को ऐसी खुशी देना चाहता था जो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। अभिनव ने सोचा कि सीधा पापा को लैपटॉप पर यूट्यूब पर आए व्यूज सब्सक्राइबर्स और इनकम दिखाए। लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाने के कारण लैपटॉप बंद हो गया। अभिनव ने लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाया और अपने पेरेंट्स और बहन को एक कमरे में इकट्ठा होने को कहा, ये बोलकर कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अभिनव के देर से उठने पर उसके पापा उससे बहुत गुस्सा थे और उसे डांटने लगे कि ना पढ़ाई में अच्छा है और ना ही सोने उठने का कोई रूटीन है। अभिनव कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और वह अपने पापा को देखकर मुस्कुराने लगा, जिससे उसके पापा और अधिक गुस्सा हो गए और उस कमरे से बाहर चले गए। अभिनव ने पापा पापा पुकारा और हंसने लगा, जिससे इरिटेट होकर उसके पापा ने कमरे में वापस आकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही अभिनव की नींद खुल गई और वह अपने पापा को देखकर बोला कि पापा हम लखपति बन गए हैं और आप मुझे थप्पड़ मार रहे हो। जिस पर उसके पापा ने चिल्लाते हुए कहा कि रोज रात तू लखपति बनता है और इसलिए रोज दोपहर के 1 बजे तक सोता है, कल से 1 बजे उठा तो तेरा लैपटॉप तोड़ दूंगा और अब पढ़ाई में ध्यान दे और गेम में कम। तो क्या ये एक सपना था?